कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख दो, या साथ में करते रहो तो भी कमेंट बॉक्स में जो आंसर आए वो लिख दो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भेज दिए थे तुम्हें, तो तुम्हें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ऑब्वियसली ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कैरी चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, तो ये तो आसान सा सवाल है। दो आइडेंटिकल, आंसर मैसेज कर दो, अगर तुम्हें आ गया हो तो आंसर मैसेज कर सकते हो। तो टू आइडेंटिकल मेटल के स्फीयर हैं, एक सेकेंड, थोड़ा बहुत टाइम मैं इसमें ही बर्बाद करता हूँ मेटल स्फीयर बनाने में, अच्छा लगता है। स्फीयर तो क्या बनाऊंगा, मगर ठीक है, कमांड सी कमांड बी, क्या हो गया ये, क्या आ गया, क्या आ गया, अच्छा कुछ और ही अभी हो गया, एक सेकंड हो गया यार। हाँ चलो, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं कैरिंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू। तो एक पे चार्ज प्लस क्यू है और एक पे चार्ज माइनस टू क्यू, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हेन द स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, इनकी बीच की डिस्टेंस आर है। मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक क्यों नहीं आ रहा है, इतना आसान तो है, ये डिस्टेंस इनकी बीच की आर है, ठीक है। द फोर्सेज बिटवीन देम इज एफ, तो अब एग्जैक्टली पूछो कि डाउट क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ऑन करके ये पूछोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा, या कमेंट करो फटाफट। दोनों के बीच में फोर्स एफ है, हालांकि इस टाइप का सवाल मैं पहले भी ले चुका हूं, मगर इसके सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। नाउ स्फीयर आर अलाउड टू टच एंड देन मूव्ड बैक टू द सेम सेपरेशन, फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। इनको टच किया और सेम सेपरेशन पे रख दिया, तो टच करने के बाद और सेम सेपरेशन के रखने के बाद चार्जेस कितना हो जाएगा, है ना, चार्ज तो कंजर्व रहता है हमेशा, तो टच किया और सेम सेपरेशन पे रखा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू एंड है ना प्लस माइनस टू क्यू, कभी कभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी करता हूँ, टोटल चार्ज तो फिक्स रहेगा, वो कितना होगा, माइनस क्यू के बराबर, है ना, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज का लॉस नहीं होता। अभी अब दोनों पे आइडेंटिकल स्फीयर है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो मैं इसी पे लिख देता हूँ फाइनली, इस पे कलर चेंज करके ना, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टू ब्लैक कलर से, ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा, और इस पे माइनस क्यू बाई टू, दोनों पे बराबर बराबर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली डिस्टेंस वही है ना, देन स्फीयर अलाउड टू टच एंड देन मूव बैक टू द सेम सेपरेशन, फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, सेम सेपरेशन है तो न्यू फोर्स, अब रिपल्शन लगेगा, पहले एक पे पॉजिटिव था दूसरे पे नेगेटिव था तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, अब एक पे दोनों पे नेगेटिव है तो रिपल्शन फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, रिपल्शन फोर्स लगेगा, और रिपल्शन फोर्स की वैल्यू सपोज करो एफ डैश के बराबर होगी, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, है ना, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू एफ डैश के इक्वल हो गई, एफ डैश के इक्वल हो गई, तो एफ डैश की वैल्यू लिख लें, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, पहले एफ डैश में पहले लिख रहा हूं, के और चार्ज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बाई फोर, और मैं कुछ गलती करूं तो बता भी देना, गूगल मीट पे पढ़ाने के दो चीज़ें हैं, एक तो अगर मेरे से गलती हो रही है तो फौरन बताओ, और दूसरा कोई डाउट हो तो पूछो, है ना, दोनों चीज़ें, तो आर स्क्वायर, ठीक है, और गलती मेरे से कैलकुलेशन गलतियाँ बहुत होती हैं, मतलब कंसेप्चुअल नहीं होती मगर कैलकुलेशन तो मैं पता है बहुत गलती करता हूँ मैं। अच्छा, एफ की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स एफ की वैल्यू, ये तो आसान सा है, क्यू, हाँ एफर्ट अगर नहीं करोगे तो हर चीज़ डिफिकल्ट होगी, और उसका कोई सोल्यूशन है नहीं, तो प्लस क्यू और माइनस टू क्यू कितना हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू इंटू चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, चैट में आंसर भी आ गया, शाबाश। वन का एफ क्या, वन का एफ क्या मतलब, एफ बाई फोर, अच्छा वन का एफ आया, अच्छा वन का एफ आया, ओके, और एफ डैश की वैल्यू एफ बाई फोर आई, ठीक है, ओके, पहले केस में f फोर्स है, वन का f आया, f आया नहीं, f के टर्म में निकालना है, अच्छा f दिया हुआ है, when sphere separated by large distance r, अच्छा two identical metal sphere इतना, when sphere r separated by large distance r, then force between them is f, तो पहले केस में फोर्स f है, हाँ पहले केस में तो मैंने f ही लिया ना ब्लू वाले, दूसरे वाले केस में निकालना है, Now, sphere touch and इतना find the new force, हाँ सही कर रहा हूँ मैं, I hope सही कर रहा हूँ, हाँ F by 4 हो जाएगा प्रियांशी, ठीक है,
टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। खैर इस टाइप के तो हमने बहुत किए। तो टू क्यू स्क्वायर इसकी ब्लू वाली जो वैल्यू है वो f के बराबर है, ठीक है। f बाई फोर होगा कि f बाई टू होगा? आई होप कमेंट करो जरा सा बताओ। f बाई टू लग रहा मुझे तो, लेट है f बाई टू होगा। हाँ छोटी मोटी कुछ इसमें, हाँ तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू, इधर अलग से लिख सकते हैं, और के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर इसकी वैल्यू f के बराबर होगी। के क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर इसकी वैल्यू f के बराबर होगी, नहीं टू के क्यू स्क्वायर बाई आर की, रुक जाओ रुक जाओ गड़बड़ हो रही है, ये तो फोर है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे ही लिखा लूँ जैसे लिखा है, ये सब जो है सिंपल मैनिपुलेशन, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू एफ के बराबर है, तो टू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही से देख लो करके आंसर दो, ऐसे वैसे आंसर ना दो, ठीक है। तो टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू एफ के बराबर है ना, तो एफ बाई एट हो जाएगा, है ना, चेक कर लो एफ बाई एट हो जाएगा। हाँ खुश पटेल वेरी गुड, तो इसको सही से करो। हाँ तो मतलब ये है, आंसर कमेंट करो, एफ डैश की वैल्यू एफ बाई एट हो जाएगी, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, आसान सा सवाल था। तो पहला वाला डिस्कस हो गया, सेकंड वाला करो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेपरेशन बिटवीन टू पॉजिटिव आयन कैरिंग चार्ज इतना, व्हेन देयर सेपरेशन इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। तो अब इसमें इस अगर सपोज करो दूसरा वाला सवाल किसी को नहीं आ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई गलती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई गलती नहीं है, वैसे भी ये खैर इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की गलती है, क्योंकि इसमें इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, है ना, इसमें तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। चलो सॉल्व करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, अलग अलग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, टाइम बचाने के लिए एक ही पेज पे सब सॉल्व कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयन, तो दो पॉजिटिव आयन है। अब किसी को आयन वायन के बारे में तो पता ही होगा, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन क्या होते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव आयन, आई होप कि पॉजिटिव आयन पता होगा तुम्हें, ठीक है। टू कैरिंग चार्ज 4 इंटू 10 की पावर माइनस आई थिंक 9 कूलम है ना, चार्ज 4 इंटू 10 की पावर इक्वल चार्ज, यहाँ पे एक गलती है, कूलम होना चाहिए। आई थिंक अभी मुझे इसका बढ़िया वाला वर्जन मिल गया, तो कल से मैं बढ़िया वाला वो करूँगा, है ना, प्रिंट थोड़ा अच्छा होगा। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम है ये, चार्ज तो उतना ही होता है। व्हेन देयर सेपरेशन इज 5 एंगस्ट्रॉम, सो अभी आंसर वांसर मिलाने की कोशिश मत करो, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, तुम सीधे करो पहले और जो आ जाए एफर्ट करो, और आंसर कमेंट कर दो। सर क्यू कैसे आया ये, कैसे कौन सा ये कैसा सवाल है, मैंने मिटा तो नहीं किया, मिटा दिया क्या? ये तो ललित, ये तो कूलम्स लॉ होता है भाई, प्लस क्यू इनटू माइनस, चार्ज कंजर्वेशन से। शुरू के लेक्चर्स पढ़ो, मैंने शुरू के लेक्चर्स, अच्छा ये भी तो मेरी एक गलती है, मैंने शुरू के लेक्चर्स में तुम लोगों की लिस्ट अभी नहीं बनाई। आज मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे सारे लेक्चर जो अपने चैनल पे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दूंगा, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही सीक्वेंस अरेंज करूंगा, ऑप्टिक्स छोड़ दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने स्टार्टिंग से जो कराया ना वो सारा एक सीक्वेंस, क्योंकि तुमको उस वाले चैनल पे मिलता नहीं है कब मैंने क्या पढ़ाया। ये चार्ज कंजर्वेशन के बहुत सारी चीजें बताई थी, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। इसमें दो कंसेप्ट है लास्ट वाले क्वेश्चन में, चार्ज टोटल फिक्स होगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कभी लॉस भी नहीं होता और चार्ज गेन भी नहीं होता, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। फिर जब इनको बाद में कनेक्ट किया, इनको मेटल स्फीयर को तुमने बाद में कनेक्ट किया, तो इनपे बराबर चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज हो गया माइनस क्यू, और उनका बराबर क्या होगा, माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई। आई होप, फिर भी ये मैंने पुराने वीडियोज में सब डाल रखा है, तो ऑनलाइन में कभी क्लास मिस हो जाती है, ये सब हो जाती है, ये कभी भूल जाते हो, तो मैं आज ही करता हूँ। जैसे मैंने 11th का तो कर दिया पूरा टॉपिक वाइज, मेरे चैनल पे जाओगे तो टॉपिक वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज पूरा 11th का टॉपिक वाइज। आज मैं 12th का करूंगा, और पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का करूंगा, ऑप्टिक्स का नहीं करूंगा, कि टॉपिक वाइज तुम्हें मिल जाए। खैर ये पॉजिटिव आयन है, हाँ ये पॉजिटिव आयन है, दोनों
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयन कैरिंग चार्ज 4×10⁻¹⁹ पॉजिटिव आयन है, प्लस में चार्ज है और दोनों पे चार्ज सेम है. चार्ज की वैल्यू कितनी है? 4×10⁻¹⁹. सो 4×10⁻¹⁹ इस पे भी है और दोनों पे चार्ज इतना है, दोनों का चार्ज सेम है. ठीक है, इस पे भी उतना ही चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू की वैल्यू लिख ली है मैंने. हाँ अच्छा, देन देयर सेपरेशन इज, व्हेन देयर सेपरेशन इज 5 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम है, 5×10⁻¹⁹ मीटर. आई होप तुम्हें पता हो एंगस्ट्रॉम का मतलब इतना. ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच? तो पहले तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सॉरी सही लिखा मैंने, गलती कर दी, सॉरी, ये चार्ज नहीं है, दैट इज माय मिस्टेक, सॉरी, लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आ गई. चार्ज इज नॉट गिवन, फोर्स इज गिवन, कभी कभी ऐसे दिक्कत होती है, फोर्स इज गिवन. सही है, न्यूटन सही लिखा, गलती नहीं है. ये द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयन कैरिंग चार्ज इज इतना, ये मुझे लगा चार्जेस लिखा हुआ है, फोर्स इतना है. ठीक है, न्यूटन फोर्स इतना है. ठीक है, ठीक है, तो फोर्स दिया हुआ है, चार्जेस की वैल्यू तो पता नहीं है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई. व्हेन देयर सेपरेशन इज 5 एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ओके चलो लेट्स स्टार्ट. फोर्स की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, फोर्स इज इक्वल टू के, मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिखूंगा, के क्यू वन क्यू टू, के की वैल्यू होती है 9.0, लिख ही देता हूँ के, एक ही फॉर्मूला लगता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. नाउ फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, वेट अ सेकंड, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेट अ सेकंड, 4×10⁻¹⁹ न्यूटन. ठीक है, तुम लोग फटाफट आंसर कमेंट करो, अगर मेरे से पहले कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, तुम लोग करते जाओ, है ना, पेन पेपर पे करते जाओ, देखते भी जाओ, करते भी जाओ, और मेरे से पहले आंसर कमेंट कर दो, बहुत अच्छा है. कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाए, कमेंट कर दो, समझ आ गया तो मैं थोड़ा धीमे ही करता हूँ, है ना, ताकि समझाते हुए, तुम लोग जल्दी भी कर सकते हो. के की वैल्यू कितनी है, 9×10⁻¹⁹, साथ में करके आंसर कमेंट करो. ठीक है, आई होप सही है, 4×10⁻¹⁹ न्यूटन. ठीक है, और 9×10⁻¹⁹ एंड क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, 5×10⁻¹⁹ का स्क्वायर, 5×10⁻¹⁹ का स्क्वायर. ठीक है, सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁻¹⁹ और इधर जाएगा, अब तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो 4/9 और 10⁻¹⁹, ये 10⁻¹⁹ नीचे आएगा, तो 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा, -18. इजी इजी पीजी, -18. यहाँ पे 25 ऊपर आएगा, तो 25 ऊपर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻¹⁹ है, -20 हो जाएगा, है ना, इससे तो -20 ऊपर आ जाएगा. आई होप कैलकुलेशन भी समझ में आ रही है. ठीक है, और इसको तो मैं पहले ही नीचे ले जा चुका हूँ, चलो ये हो गया, तो क्या करूँगा, 10⁻¹⁹ होगा और -18 होगा, तो q की वैल्यू आ जाएगी, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25×400/9. आप फाइनल आंसर कमेंट कर सकते हो, 100/9, 10⁻¹⁹. अच्छा चेक करता हूँ, अभी आगे भी करना है. खैर, आई होप कि मैंने गलती हो तो आप माइक्रोफोन ऑन करके बता देना प्लीज, है ना, 25×400 और 10⁻¹⁹ −38. आई होप यू अंडरस्टैंड ना, 10⁻¹⁹ −38, 20 इतना, गलती नहीं है. अच्छा ये कितना आ जाएगा फिर, क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये आएगा 10/3 इंटू 10⁻¹⁹ −19, है ना, आई थिंक ये पता ही होगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इस 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, है ना. समझ में आया तो फटाफट पूछूं, आई होप ये तो नंबर सिस्टम छोटे क्लासेस का है. अब इसमें यह आंसर नहीं निकालना है, फिर इसने आगे भी पूछा है, इसने पूछा देन देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर,
ईच, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे, तो इलेक्ट्रॉन मिसिंग के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मिसिंग का फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर एन इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो एन ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू। अगर एन इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो एन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई, है ना, ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा। सो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ई, क्यू अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹¹। तो क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10³ × 10⁻¹¹। बस कैलकुलेशन देखते रहना। ई की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻¹¹। आई होप आई एम करेक्ट, है ना। क्यू की वैल्यू है 10³ × 10⁻¹¹। क्यू की वैल्यू ये पुट कर ली मैंने, ठीक है। सो ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं। वैसे आयन में ऐसे ही होता है, दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन एक चार्ज में। खैर, तो ये आ जाएगा, आ रहा है 10 अपॉन क्यू की वैल्यू, एन नंबर निकालना ना, नंबर। सो 10 अपॉन 3 × 1.6, ठीक है, 10 अपॉन, हाँ आंसर इज 1/5.1, 10/5 होगा, हाँ तीन, हाँ 10/5.1, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5.01 ना, ये 3×8, हाँ तो ये 2 के आसपास आ जाएगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट मी चेक बाय कैलकुलेटर, एक मिनट, 10/3, 10/3.16, 10/10 / इसको इधर ले आता हूँ, 10/1.6, 1.6/3, हाँ 2 के आसपास आएगा, 2.08, यस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो 2 आंसर आ रहा है, एन अप्रोक्सीमेटली 2 ही ले लो, कौन सा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। I hope you understand. हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लेट्स, हाँ ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर। तो ये हो गया, तो ऐसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह में, डिस्कशन में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो वो तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा शुरू में। Two identical particle each of mass m and charge q are placed certain distance if they are equilibrium under gravitational and electrical force, calculate the q upon m. ये अच्छा सा क्वेश्चन है, नॉर्मली मैंने डिस्कस किया था पहले अपने लेक्चर्स में, डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कि नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, मगर जब मास दिया होता है तब हमेशा हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। मास अगर दिया होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर मास दिया हुआ है, सफिशिएंट जगह हो गई, एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थ्री। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू, दो पार्टिकल है मेरे पास, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों का चार्ज क्यू है और मास एम है, दीज आर आइडेंटिकल पार्टिकल। तो ज्यादा डिजाइन नहीं बनाता और टाइम सेव होगा, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में ईच ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू है और मास एम है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच की डिस्टेंस आर है ना, इनके बीच की डिस्टेंस ही एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। तो If they are equilibrium under mutual gravitational force, तो attractive होगा हमेशा,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ये हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लिख देता हूँ इसको, एफ स्मॉल जी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, उसके अलावा इसमें रिपल्सिव नेचर का होगा, है ना। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अच्छा अगर तुमने NLM अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास वालों को, तो उसमें पता है तुम्हें फ्री बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 11th का भी मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारा टारगेट JEE नीट होना चाहिए, उसके लिए 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th के लेक्चर जो मतलब है, चाहे किसी भी फॉर्म में देख लो, अपलोड फॉर्म में देख लो या लाइव फॉर्म में, जैसा भी देखना देख लो, है ना। मैं तो सारा रिकॉर्ड करता हूँ, तो जैसे भी फॉर्म में, इवन उसमें भी इस तरह की DPP है, वो भी उन लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ, रेगुलरली वो सॉल्व हो रही है। तो 11th वालों के अभी मतलब डेढ़ ढाई घंटे, मतलब 2.5 hours तो क्लास चलती है, एक आवर 1 hour DPP डिस्कशन और 1.5 hour NLM वगैरह की क्लास। और फिजिक्स में 11th का सिलेबस डिफिकल्ट है, तो वो 11th के ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हें फ्री बॉडी बनाना होगा, जैसे अगर इसमें M का फ्री, वैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन है, मगर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हें Q का फ्री बॉडी बनाना होगा, है ना। ये सवाल है, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है, ये बेसिक लगा के इस तरह से होता है। तो ये हमने Q का फ्री बॉडी बना दिया, एक चार्ज को अलग ले लिया, फ्री बॉडी ऑफ Q, उसको पॉइंट से दिखा दिया, बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। खैर यहाँ पे पता नहीं लगता क्योंकि हम पॉइंट ऊपर भी दिखा सकते हैं, मगर ये ऐसे इसका फ्री बॉडी बना दिया, यानी कैपिटल Q को हमने सेपरेट कर लिया। तो कैपिटल Q पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, अभी इसी टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं, और एक दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और क्योंकि कैपिटल Q जो है, जिसका मास m के बराबर है, वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा। फिजिक्स में काफी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है, तो अक्सर पुरानी चीजें नहीं आती है तो दिक्कत आ सकती है। खैर ये रेस्ट में है, बिकॉज इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा सा मैं टाइम इसमें लूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, हाँ आगे बढ़कर सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हो इसमें, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, कमेंट या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, आंसर कर सकते। नाउ ये इक्विलिब्रियम में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, क्योंकि ये रेस्ट में है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब है दे आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जी एम एम वन इंटू एम टू, आई थिंक तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, मैंने भी डिस्कस किया इसको, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट, हाँ के कॉन्स्टेंट, के भी आएगा, के कॉन्स्टेंट आएगा, और क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा। यहां से हम आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, हमें क्यू अपॉन एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्यू अपॉन एम की वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, बाकी तो मैनिपुलेशन है, तो क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इधर आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन के, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट अपॉन के, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्यू अपॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई के, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई के, एंड दिस इज अवर आंसर। You can put the value of G, final constant निकाल सकते हो अगर चाहो तो। G की value होती है 6.67 into 10 की power minus 11 newton meter square per kilogram square, unit होती है इसकी newton meter square per kilogram square, ठीक है। और K की value होती है 9.0 into 10 की power 9, ठीक है, newton meter square
कौन खुला. देखो अगर तुम पढ़ लोगे और उसको सवाल नहीं करोगे तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है. फिजिक्स में जो भी कंसेप्ट दिया जाता है वो लगाने के लिए दिया जाता है. फिजिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि तुम उसको याद कर लो, जैसे कूलम्स लॉ याद कर लिया हो गया, जो उसको यूज करने के लिए दिया गया है ना. केमिस्ट्री नहीं कि रिएक्शन याद कर ली हो गया काम चल गया. उस कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है, जितना यूज करोगे उतना अच्छा होगा. तो हम लोगों ने तीन क्वेश्चन कर लिए है ना, तीन क्वेश्चन हो चुके. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके निकाल लोगे Q अपॉन M की वैल्यू इफ यू वॉन्ट, वरना ऐसे भी चलेगा है ना. तो क्वेश्चन हो गए हैं तीन, और एक मिनट, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और अभी 4:46 वी हैव सफिशिएंट टाइम. कल हम लोग YouTube पे मिलेंगे, कल मैं सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा. शायद तुम्हें आज से खटाखट होमवर्क मिलता जाएगा, एक और होमवर्क मिल जाएगा, तो ट्राई करके भेज सकते हो. ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. तो मगर यू हैव टू ट्राई, अदर उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, ये ट्राई करना पड़ेगा. ये ना तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना बहुत आसान क्वेश्चन है. इसके बाद तुमसे फिर जेई नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो होने लगेंगे. मतलब ये सेट पूरा कर लोगे तो जेई नीट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा बेसिक मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो, बेसिक के सारे क्वेश्चन कवर होंगे. नेक्स्ट है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज टू 50%. ये तो आसान है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं. ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस 100 न्यूटन. ठीक है, तो कैलकुलेट द फोर्स फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज टू 50%. इंक्रीज देखना, इंक्रीज टू 50%. हाँ, 10th क्लास वाले का मैसेज आया ना. हाँ, जो भी है, चलो इसमें इंक्रीज्ड, सॉरी इंक्रीज्ड, यहां पे ध्यान से देखना ये चीज, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, इंक्रीज्ड बाय 50%. अभी मैंने गलत पढ़ लिया था, इंक्रीज्ड बाय 50%. तो इंग्लिश में बाय और टू का मतलब समझना. इंक्रीज टू 50% का मतलब होता है कि डिस्टेंस आर है और आर बाय टू कर दी गई. इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है कि आर है और आर बाय टू और एड कर दी गई, यानी आर प्लस आर बाय टू हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड है. तो ललित ने आंसर भी भेज दिया है, सब लोग आंसर भेज सकते हैं ऐसे है ना, है ना, सब लोग आंसर भेज भेज सकते हैं, पहले ही आंसर भेज सकते हो. ओके, यू कैन सॉल्व. द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस 100 न्यूटन. मैं यहीं पे मिला लगा लेता हूं इसी पर बटा. दो पॉइंट चार्ज हैं, ऑब्वियसली उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी. ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगी. तो जस्ट टेक टू पॉइंट चार्ज, दिस इज वन पॉइंट चार्ज एंड दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज. इनके बीच की डिस्टेंस मान लो आर के बराबर है. ठीक है, और गिवन है इनके बीच का फोर्स 100 न्यूटन है एयर में. एयर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है. तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F इधर लगेगा और F इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, वो 100 न्यूटन दिया हुआ है. इट इज 100 न्यूटन 100 एक सेकेंड, थोड़ा जीरो दूर बन गया, 100 न्यूटन. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया दूसरे केस में, डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब 50% ज्यादा डिस्टेंस कर दी, इंक्रीज बाय. तो इंक्रीज बाय का मतलब होता है आर प्लस आर बाय टू. तो ये है, तो डिस्टेंस अब टोटल कितनी हो जाएगी, इंक्रीज बाय यानी आर प्लस आर बाय टू, आर बाय टू मत कर देना इसमें. ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस आर बाय टू, मतलब थ्री आर बाय टू, थ्री आर बाय टू. ठीक है, अब इंक्रीज बाय थ्री आर बाय टू, देन कैलकुलेट द फोर्स. बस बाकी चार्ज तो चेंज ही नहीं किया, तो अब नई कंडीशन में फोर्स कितना हो गया, एफ डैश, एफ डैश फोर्स हो गया, चार्ज तो बदला ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश. तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश नया फोर्स है, एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
के कांस्टेंट 9 into 10 की पावर 9 और चार्ज तो उतना ही है, यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, Q1 Q2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना, कोई भी वैल्यू, क्योंकि इससे तो मतलब ही नहीं हमें, तो Q1 Q2 कुछ भी रैंडमली, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी है, 3R/2, तो 9R² by 4, आई होप यू अंडरस्टैंड। पहले केस में फोर्स कितना था, 100 न्यूटन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, K, मैं आराम से डिटेल में मस्त तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि तुम भी आराम से मस्त मस्त टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इसका मतलब जो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 100/K, ये ब्लू वाला पोर्शन है 100/K, ठीक है। तो F डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, जो भी फालतू के टर्म है ना वो इधर रख दो, तो फालतू के टर्म क्या है, 4 फालतू का टर्म है और 9 फालतू का टर्म है, बाकी टर्म उसमें इंक्लूडेड है, K भी आ रहा है, तो K Q1 Q2 भी आ रहा है और R स्क्वायर भी ऊपर है, ठीक है, 4 और 9 नहीं है, तो इन सब की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 400/9 न्यूटन, है ना, 400/9 न्यूटन, तो किसी ने पहले ही कमेंट कर रखा, वेरी गुड, है ना, तो आई होप तुम पहले से करोगे, आज के बाद तुम्हें कल का टाइम मिलेगा अभी करने का, अभी जो 9 क्वेश्चन है, अभी कल का और टाइम है, शायद मैं एक और दे दूं, तो अभी तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है, तो आराम से करते रहो। ठीक है, आराम से करते रहो, पुराने वीडियो रिवाइज करते रहो, ये करते रहो, करते रहो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गए, है ना, पांचवा क्वेश्चन, टू न्यूट्रल इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड आर देम केप्ट इफ दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स इतना, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर ड्यूरिंग रबिंग। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हो, है ना, ट्राई कर सकते हो, ये और पहले ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, या पहले भी ट्राई किया हो तो एक बार मेरे साथ भी ट्राई कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, पहले नहीं आया तो इस बार आ जाएगा, है ना, तो एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार ट्राई किया करो, एक बार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, जितना एफर्ट करोगे उतना आएगा। टू आइडेंटिकल इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड देन केप्ट 4 मीटर अपार्ट, तो रब करके उन पे कुछ चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, यहीं पे करता हूं, वी हैव सफिशिएंट स्पेस, 5 क्वेश्चन, है ना, टू आइडेंटिकल स्मॉल रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड आर केप्ट 4 मीटर अवर, तो आइडेंटिकल स्फीयर है, रब कर दिया तो चार्ज आ जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर इनको रब करोगे तो एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस आएगा, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जब रबिंग करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे पे, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो एक पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है, एक पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, दूसरे पे कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा, ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आया हो, है ना, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे में जाएंगे एंड देन केप्ट 4 मीटर अपार्ट, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, आंसर कमेंट कर सकते हो, देन कमेंट 4 मीटर अपार्ट, ठीक है, 4 मीटर, मैं तो फाइनल आने के बाद ही चेक करूंगा, इफ दे आर अट्रैक्टेड ईच अदर विद फोर्स 36 न्यूटन, आई थिंक ये 3.6 नहीं है, 36 है, 3.6 है, 36 है, चलो मैं 36 ही मानता हूँ, 3.6 नहीं मानता हूँ, आगे से मैं इसको और भी क्लियर करके भेजूंगा, मुझे क्लियर वाला वर्जन मिल गया, तो 36 ही मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये है, दे इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ 36 न्यूटन, ठीक है, आई एम टेकिंग 3.6 लू, 3.6 लू या 36 लू,
हाँ चलो 3.6 ले लो, हाँ 36 पास पास लिखा होता है, तो कुछ भी ले लो 36 3.6 लेता हूँ, कोई बात उससे वैल्यू तो कुछ नहीं, कैलकुलेटर चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो फोर्स इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा और एंड इट इज 3.6 न्यूटन, दोनों पे सेम होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब सॉल्व करें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही तो फॉर्मूला है और उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। फोर्स की वैल्यू है 3.6 न्यूटन, मैं 3.6 मान लेता हूं, 3.6 न्यूटन, ठीक है दीप सर, ओके। और कांस्टेंट 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। एन क्यू स्क्वायर डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ठीक है बस हो गया। तो बस आगे तो कैलकुलेशन है, मैं इसी में कैलकुलेशन कर देता हूँ, आगे कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं पूरी पूरी कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ इसलिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है ना। तो ये आएगा 4 स्क्वायर 3.6 इंटू 4 स्क्वायर, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है आ जाएगा। समझ आई बात, ओके चलो यहां पे क्या कर दो, 3.6 से ही फायदा होता है वरना गड़बड़ हो जाती, तब आंसर इजी सा आएगा। खैर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं, बाकी सब तो ठीक लग रहा है, 4 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, यहां पे 10 की पावर 9 है तो इसको कर दो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, बाकी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाद में अंडर रूट करके। 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया और 36 मतलब 6 का स्क्वायर हो गया, इसको तुम 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहां पे मैंने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना, 36 तब हुआ है, तो 10 से मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक बाय स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, दिस विल बी क्यू इज इक्वल टू 6 into 4, ये थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया, अपॉन 3 into 10 की पावर टेन की पावर 5, आई होप यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। हाँ चलो फाइनल आंसर पे कितना आ जाएगा, 3 2 6, तो ये आएगा 8 into, यानी अब फाइनल आंसर लिख दो, फाइनल आंसर यानी फाइनली क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 into 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है 8 into 10 की पावर, हाँ वेरी गुड, ओके इट इज 3.6, हाँ ठीक है आई होप। तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं, देखो ट्राई नहीं करोगे तो सभी डिफिकल्ट होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि तुमने ट्राई ना किया हो तो डिफिकल्ट, तो ट्राई तो करो। क्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी, अब क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू होगा, उसके बाद क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर स्फीयर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड के लिए क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए हम q इज इक्वल टू एनी यूज करेंगे, तो लेट अस यूज q इज इक्वल टू एनी, या n इज इक्वल टू q बाई ई, डायरेक्ट लिख देता हूँ n इज इक्वल टू q बाई ई, है ना, q बाई ई, सो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, q की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 8 into 10 की पावर -5 न्यूटन, स्मॉल q कैपिटल q कुछ भी चलेगा, q तो चार्ज है कुछ भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है कितनी है 8 into 10 की पावर -5 न्यूटन, 8 into 10 की पावर -5 न्यूटन,
5 न्यूटन, 8 × 10⁻¹⁵ न्यूटन। और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/6, 1.6 और 10 की पावर ऊपर जाएगा माइनस 19 तो प्लस 19 हो जाएगा, 19 और 5 कितना होता है, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा ये 14 हो जाएगा ना, माइनस प्लस 14। आई होप यू अंडरस्टैंड, 10 के बाद 19 और माइनस 5 प्लस 14, ओके प्लस 14। अब इसको जो मर्जी हो लिखना हो तो लिख लो, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, ये गैप कर दो, 80 यहां पे कर दो, मतलब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अब वैसे भी नहीं भी मल्टीप्लाई करो तब भी 5 आएगा, 5 × 10 की बार 14, हाँ 5 × 10 की बार 14, यस। तो n की वैल्यू आ रही है 5 × 10 की पावर 14। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। तो ये हम कर चुके हैं आज, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हो गए। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 6 से सुपरपोजिशन, 2 इक्वल पॉइंट चार्ज प्लेस एट द ईच ऑफ 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, इक्वल पॉइंट चार्ज ईच अदर 2 कॉर्नर्स, then what must be q resultant force on q. 6 के बाद मैं चाहता हूं कि तुम लोग पुराने, आज मैं एक एक्स्ट्रा काम करूंगा कि तुम्हारे वीडियोस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगा 6 टाइप का क्वेश्चन, और जो मैंने पुराने वीडियोस अपने हैं इसको मैं स्टॉप कर देता हूं, पहले यहां से अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए।